हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं क्या कर रही हूँ। मैं पैकिंग कर रही हूँ गाइस, मुझे जाना है माँ के यहाँ से। गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, छत पे चलते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। चलिए, तो हम छत पर आ गए हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ का व्यू देखिए, बकरियाँ घास चर रही हैं। सुबह शाम यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है गाइस। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो वैसे देख रहे हैं बकरियाँ कितने मज़े से यहाँ घास चर रही हैं। मस्त हरी हरी घास है, पत्तियाँ हैं। तो गाइस, आज मुझे मायके जाना है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाऊँ, कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए, मन ही नहीं कर रहा है। गाइस, आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है तो उसकी क्या कंडीशन रहती है। अरे, मम्मी पापा स्टेशन तक जाएंगे छोड़ने के लिए। तो गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए, पापा अपने मोबाइल में बिजी है, मम्मा बैठी है नाती से अपनी बातें करते हुए। तो गाइस, मैं आपको यहाँ का स्टेशन दिखा देती हूँ। ये है अजनी का छोटा सा स्टेशन, इसमें 3 प्लेटफॉर्म है। गाइस, हमारी ट्रेन इसी तरफ से आएगी, तो आप देख सकते हैं ये छोटा ही स्टेशन है। तो 3 प्लेटफॉर्म है इसमें और हमको ये लास्ट में वहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ से हमारी रिजर्वेशन नियम जनरल में ही जाना है। तो गैस, आपने देखा ना, पापा फ़ोन में बिजी हैं, बेटा भी बिजी है, मम्मी देख रही है। तो हम चलेंगे नागपुर स्टेशन में, जब ट्रेन रुकेगी तो मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी। तो गाइस, वेट करते हैं ट्रेन का, अभी ट्रेन आने में टाइम है। देख सकते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। तो देखिए, मम्मी अपने नाती से बातें कर रही है। तो गाइस, हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है। तो आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं उस लास्ट पॉइंट में, क्योंकि हमने जैसे बताया कि मैं रिजर्वेशन नहीं करवाई हूँ और यहाँ से हमें दुर्ग तक जनरल में ही जाना है। कैसे देख रहे हैं स्टेशन के बगल से ये छोटे छोटे और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कैसे, हम चलते जल्दी से, हमारी ट्रेन आने वाली है। तो कैसे, बने रहिए। तो गाइस, हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं गाइस, पानी गिरने के बाद कितनी तेज धूप हो गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो गाइस देखिए, ये नागपुर जंक्शन है, इसमें टोटल 16 या 17 प्लेटफॉर्म है। तो गाइस, हम लोग जनरल बोगी में हैं, विकलांग के बगल में। तो जाती हूँ मैं, बैठ जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें सब बैठे हुए हैं, भीड़ है। तो मैं इसमें दुर्ग तक जाऊँगी, सॉरी रायपुर तक जाऊंगी। रायपुर से हम लोग दूसरी ट्रेन लेंगे दुर्ग अंबिकापुर, उसमें हमारा रिजर्वेशन है, इसलिए हमको टेंशन नहीं। तो कई हम उसमें पहुँचेंगे 7:30-8 बजे करीब पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, मैं सोची थी आप लोगों को डोंगरगढ़ मंदिर दिखाऊंगी, बस वो आने वाला है, बट अभी टाइम 5:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो पूरे 2 घंटे लेट है। तो गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आप लोग को मंदिर दिखा पाऊँगी, क्योंकि मंदिर दिखाने तक तो अंधेरा हो जाएगा। फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगी गाइस।
तो गाइस देखिए अंधेरा हो चुका है और ये जो लाइट दिख रही हूँ मंदिर की ही लाइट है गाइस, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। तो गाइस माता का मंदिर तो नहीं दिख रहा है बम्बलेश्वरी माता का, बट ये नीचे में ही कोई मंदिर है जो कितना सुंदर दिख रहा है। तो गाइस बने रहिए। तो गाइस हम लोग जो पहुंच चुके हैं और हमने हमारी ट्रेन लेट थी इसलिए हम लोग रायपुर ना जाकर दुर्ग में ही उतर गए थे और दुर्ग से ही ट्रेन ले ली। हमारी ट्रेन जस्ट बगल में लगी हुई थी तो हमने जल्दी जल्दी अपना सामान रखा, बैठा और अब खाना खा लिए हैं। और हमारा रिजर्वेशन रायपुर से है तो डर रहे हैं कहीं टीटी आके हमें परेशान ना करे। तो गाइस सब लोग बने रहिए, हम लोग रायपुर तक तो बैठ कर ही जाएंगे और उसके बाद फिर सोएंगे। तो चलिए रायपुर तक चलते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये है। तो कैसे हम लोग रायपुर स्टेशन आ चुके हैं और अब कोई डर नहीं है और अब हम लोग कैसे बहुत थक गए हैं। 5 घंटे पहुंचाना था वहाँ, प्लस 8 घंटा ट्रेन लगाई है, 9 घंटा। तो कैसे बहुत थक गए गाइस। हम लोग ने खाना खा लिया है, रायपुर स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो बाय बाय, फिर सुबह मिलेंगे। बाय बाय, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हम लोग पहुंचने ही वाले हैं 10-15 मिनट में। सुबह के 7 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप बाहर का व्यू कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, लहलाते खेत। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू है ना, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं तो मैं अपना सामान आगे कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठे हैं, पीछे की सीट में बैठे हैं हम लोग। तो वहाँ से देख रहे हैं रोड कैसी है, पूरी ख़राब है, खटखट हो रहा है, इसलिए मैंने वॉइस पूरा घर में रिकॉर्ड किया है। सुबह के 9 बज गए हैं, हम लोग अभी पहुँचे हैं और देख रहे हैं मौसम बारिश वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। ये शर्ट बंद कर दूंगा। देख सकते हैं मेरी बग्गी की हालत फिर पुरानी ही हो गई है, जैसे पहले थी मैंने सुधारी थी फिर हो गई है, फिर इसमें घास उग गई है, फिर मेरे लिए नए काम बन गए। गाइस बने रहिए, मैं रिफ्रेश होंगी, नहाऊंगी। हम लोग पहुंच गए हैं सुबह के 9 बजे और कल सुबह 11 बजे से बैठे बैठे आप सोच सकते हैं कि आज हम सुबह पहुंचे हैं तो हमारी क्या कंडीशन होगी, काफ़ी थके हुए हैं। तो गाइस आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।